तब क्या होगा जब हम स्पाइक शू को हाइड्रोलिक प्रेस में लगाकर इसे इंडिया में बने फुटबॉल और पाकिस्तान में बने सॉकर बॉल को दबाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उससे पहले आप में से जिन जिन इंडियंस को ये लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉम्पिटिशन में इंडिया ही जीतता है, तो वो लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में इंडिया लिख दो। तो जब हम करीब 15 क्विंटल के वजन में इस स्पाइक शू से इंडिया वाले फुटबॉल को दबाते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसे थोड़ा सा ही डैमेज कर पाता है। लेकिन जब बारी आई इस पाकिस्तानी बेसबॉल की तब तो इस स्पाइक शू ने उतने ही वजन में इसे फाड़ कर रख दिया। यानी कि आप लोग सही थे, जीता तो आखिरकार इंडिया ही।